वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम TWR पे रूट कैसे इंस्टॉल करें जो कि पोको F1 में ही। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको F1 और यहाँ पे देख सकते हो 12.0.3.0 एंड्रॉइड 10 मिल जाता है 1 दिसंबर का, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो वर्षन के ऊपर अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल और यहाँ पे लेटेस्ट TWR पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे विदाउट डेटा लॉस के आप बेशक यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो जो कि ऑफिशियल TWR पे और रूट जो कि यहाँ पे एक लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे रिलीज हो चुका है जो कि पोको F1 के लिए, तो उसी को यहाँ पे इंस्टॉल करके बताने वाला हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से कनेक्ट कर लेना है जो कि सम फाइल्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना है अपने डिवाइस में। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे डिवाइस को जो है PC से कनेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरे डिवाइस को PC से कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल स्टोरेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है PC में, जो कि देख सकते हो मैं आ चुका हूँ PC में। PC में आने के बाद ADB सेटअप, उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल TWRP जो कि एक ऑफिशियल और यहाँ पे लेटेस्ट TWRP है जो कि 3.5.2, यहाँ पे डिसेबल फोर्स इनक्रिप्शन जो कि 21 वर्जन का आता है। उसके बाद यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप जो कि रूट के लिए यहाँ पे तीनों यूज़ होता है, इसके अंदर भी यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप का वर्जन रहता है जो कि वर्जन 21। तो यहाँ पे मैजेस मैनेजर जो कि 21.4 मैजेस मैनेजर APK रूट चेकर, यहाँ पे सभी डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है जो कि TWRP डिसेबल फोर्स इनक्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पे मैजेस मैनेजर APK रूट जिगर। तो यहाँ पे पांचों फाइल को कॉपी कर लेना है अपने फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पे फ़ोन में आपको कॉपी कर लेना है। और इसमें तरह में डेटा कोई भी इरेज नहीं होगा तो आपको यहाँ पे डेटा बैकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में बूट करना है। तो फास्ट बूट मोड पे जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो आपका डिवाइस यहाँ पर आ जाएगा फास्ट बूट मोड में, जो कि देख सकते हो प्रेस एंड होल्ड करना है पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन की। तो यहाँ पे देख सकते हो फास्ट बूट मोड में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है PC में, आपको ADP सेटअप कर लेना है फर्स्ट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर ऑलरेडी आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर चुके हो तो यहाँ पे फिर से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको यस यस और आपको यहाँ पे फिर से यस कर लेना है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, फिनिश। ये ऑटोमेटिकली ये टैब क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। ये फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर और एक फोल्डर है इसको भी यहाँ पे ओपन करना है, और यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है। उसके बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट बूट डिवाइसेस, उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो एक रैंडम नंबर, उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है जो कि फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो TWRP है यहाँ पे फोल्डर को क्लोज करिए, और यहाँ पे CMD है, उसके बाद जो TWRP है उसको ड्रैग करना है यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, जो कि यहाँ पे आपका डिवाइस में यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा TWRP जो कि 3.5.2 जो कि एक लेटेस्ट TWRP आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है डिवाइस में, डिवाइस में आने के बाद पावर की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद आपका डिवाइस ऑफ होगा, डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है। वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में। तो यहाँ पे देख सकते हो TWRP आ चुका है, और यहाँ पे PC का वर्क खत्म हो चुका है, तो सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना होगा अपने डिवाइस को PC से। तो यहाँ पे देख सकते हो TWRP आ चुका है। स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको होम प्रेस करना है। यहाँ पे सेटिंग्स में ब्राइटनेस थोड़ा आपको यहाँ पे बढ़ा लेना है, ब्राइटनेस का इशू यहाँ पे फिक्स किया गया है, जो कि यहाँ पे पहले जो वर्जन में था यहाँ पे ब्राइटनेस नहीं आता था, लेकिन इस वर्जन में यहाँ पे ब्राइटनेस को भी फिक्स किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड में जाना है, यहाँ पे आपको जो है डिसेबल फोर्स इनक्रिप्शन इसको यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप को इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे मैजेस मैनेजर इंस्टॉल्ड करने के बाद आपके डिवाइस में यहाँ पे रूट अनेबल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैजेस मैनेजर जिप यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल्ड होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैजेस मैनेजर जिप भी फ्लैश हो चुका है। उसके बाद सिंपल रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक।
तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है और यहाँ पे कोई भी डेटा इरेज नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे सिंपल वेट करना है 1-2 मिनट, जो कि यहाँ पे आपको एडजस्ट मैनेजर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होगा, तो आपको 1-2 मिनट वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे आपको सिंपल वेट करना है। एडजस्ट मैनेजर APK यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होगा, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है, जो कि एडजस्ट मैनेजर APK। उसके बाद आपको यहाँ पे रूट चेकर APK को भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जो कि यहाँ पे एडजस्ट मैनेजर APK, उसके बाद यहाँ पे रूट चेकर APK, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हो। एडजस्ट मैनेजर तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको रूट चेकर को इंस्टॉल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो रूट चेकर भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, जो कि रूट चेकर को। अगर आप यहाँ पे रूट को चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बेशक रूट चेकर को इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। तो उसके बाद ओपन करना है आपको, यहाँ पे अग्री करना है, जो कि यहाँ पे आप अग्री गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे वेरीफाई रूट करना है, जो कि यहाँ पे आपके डिवाइस में रूट है नहीं है यहाँ पे आपको चेक करके बताएगा। परमिशन ग्रांट कर देना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो रूट यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे TWRP में जाना है तो पावर की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को प्रेसेंट होल्ड करना है, उसके बाद जो आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में। तो आपको यहाँ पे सिंपल पावर की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को प्रेसेंट होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज कर देना है, वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में। तो देख सकते हो TWRP आ चुका है। तो यहाँ पे आप बेशक ये इजी मेथड से अपने डिवाइस में यहाँ पे TWRP और रूट इंस्टॉल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे बेशक ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और यहाँ पे सिक्योर मेथड है, जो कि यहाँ पे आप वर्किंग 100% वर्किंग वीडियो है, जो कि कोई भी अपडेट के ऊपर वर्क होगा, जो कि यहाँ पे फिलहाल में भी 12.0.3.0 पे ये वर्क हो रहा है। तो बेशक ये फ्यूचर अपडेट में भी ये वर्क होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि पोको F1 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।